मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन करो, जितना दुख तुम्हें उतने ही गम में मैं भी हूं। फर्क बस इतना है कि तुम तो आंसू बहाकर अपना गम जाहिर कर सकती हो, मुझसे तो वो भी नहीं होता। भाई तुम सोच नहीं सकती मैं खुद किस कर्ब से गुजर रहा हूं। ऐसे लगता है जैसे मेरे अल्फाज ही मुझसे रूठ गए। अरे कई घंटों से एक सत्र नहीं लिख पाया मैं। जो भी हुआ काश नहीं होता। मेरे किरदार पर जो दाग लगा है वो आपकी बातों से धुल नहीं सकता। अपने घर वालों के लिए गाली बनकर रह गई हूँ। आप मुझे बातों से बहलाने की कोशिश ना करें। मैं तुम्हें बहला नहीं रहा हूं, वही बता रहा हूं जो सच है। तुम मेरी गुर्बत चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद के करीब आने दिया। तुम्हें मेरे अल्फाज से इश्क था, इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानियां तुम पे निछावर कर दी। अगर कसूरवार मैं हूं तो हिस्सेदार तुम भी हो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो फैन थी आपकी। आपको पढ़कर तो मैंने बोलना सीखा था, अकीदत के सातवें आसमान पर बिठाया था आपको। और आपने क्या किया मेरे साथ? जिंदा दफन कर दिया मुझे, जीने लायक नहीं छोड़ा। अरे मुझे बताएं, मैं कहां जाऊंगी, कैसे करूंगी अपने मां बाप का सामना, कैसे? तुम रो नहीं, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तकलीफ होती है मुझे, मगर अब ये आंसू मेरी किस्मत बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रो तो आप मुझसे शादी कर लें। खुदा का वास्ता, मुझे मेरे खानदान को इस बदाने के घर से निकाल लें, मुझसे निकाह कर लें। जानती भी हो क्या कह रही हो, ये हो नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं जानती, आप अभी मेरे साथ चलेंगे और मेरे बाबा से बात करेंगे। खुदा का वास्ता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। अच्छा बॉस चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं और करते हैं तुम्हारे वालिद से बात। सब ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए ड्रामे से बाखबर रह सकें।